नमस्ते दोस्तों। यदि ऊपरी हिस्से में गर्मी उत्पन्न होगी तो रेल लाइन का ऊपरी हिस्से का आकार भी बढ़ जाएगा, तब कटिंग गैप फिलअप होगा। उम्मीद है कि पेंडुल क्लिप पर दबाव नहीं होगा, क्लिप के ढीले होने की संभावना नहीं। रेल लाइन वक्र होने का डर नहीं रहता। मैं अभी हीट एंड हीट ट्रांसफर के बारे में कहा। दूसरा कारण पर चर्चा करने जा रहा हूं, मानसून या बारिश के पानी के दौरान मिट्टी नरम हो जाती और मिट्टी कई स्थानों पर बैठ जाती। जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो कंपन पैदा होता है जिससे पत्थर टूट जाती है, पत्थर टूटकर चूर्ण बन जाता है। पेंडुल क्लिप लूज या डिटेल जो कारण मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने दिए। जब बारिश होती है तो ये सभी स्थान बैठ जाता है। जब ट्रेन उन जगहों से गुजरती है तो दबाव अधिक होता है और पटरियाँ उन जगहों पर बैठ जाती है। परिणाम स्वरूप इस स्थिति में भी पेंडुल क्लिप पर दबाव बनता है और क्लिप ढीले हो जाते हैं। हालांकि जब भी क्लिप ढीले हो जाते हैं तो ट्रेन पटरी से उतरने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब डीजल का संभावना बढ़ जाती है। ये तब होता है जब रेल ट्रैक बारिश के पानी से कमजोर हो जाता है। आइए इसी संबंध में एक और उदाहरण पर बात करते हैं। ये घटना करीब 15-20 साल पहले की है। नॉर्थ 24 परगनास खोर्धा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की रेल लाइन में कुछ जगह पर रेलवे लाइन बढ़ने लगी थी। रेलवे इंजीनियरों को समझ नहीं आ रहा था कि उस स्थान पर रेलवे लाइन क्यों खराब होती जा रही है और उस जगह पर बार बार पत्थर देने पड़ते थे, बार बार उस स्थान को पत्थरों से ठीक करना पड़ता था। काफी खोजबीन के बाद कोई बड़े बड़े चूहे का बिल पाए गए। ये बात मुझे अखबारों से पता चला। इंजीनियर को कोई निरीक्षणों के बाद एहसास हुआ कि बहुत सारे चूहे हैं, बड़े बड़े चूहे रेलवे ट्रैक के पत्थर को चूर चूर कर रहे थे। चूहे बड़े बड़े पत्थरों को दांतों से चुटर चुटर कर खराब कर रहे थे। परिणाम स्वरूप पत्थरों का आयतन या वॉल्यूम कम होता जा रहा था और उस रेलवे लाइन के नीचे गैप बनता जा रहा था। नतीजा ये होता था कि जब भी ट्रेन इस जगह से गुजरती थी तो दबाव उस जगह पर पड़ता था और रेल लाइन बढ़ने लगी। उस समय रेलवे स्टेशनों पर चाय पीने के लिए मिट्टी का भाड़ का इस्तेमाल किया जाता था। पहले तो इंजीनियरों ने सोचा कि मिट्टी का भाड़ के कारण रेलवे ट्रैक खराब हो रहा होगा, बाद में उन्हें पूरी बात समझ में आई। रेलवे ट्रैक मरम्मत के दौरान गर्मी का प्रभाव और बारिश के पानी से मिट्टी की नरम होने का ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। थैंक यू।